हेलो फ्रेंड्स, वेलकम। तो देखते हैं आज का हिंदू और पीआईबी एनालिसिस 4 जुलाई का। तो हम जो एनालिसिस करेंगे वो प्री कम मेंस दोनों के बेसिस से करेंगे। तो सबसे पहले इकोनॉमिक सेक्शन को देखते हैं, जो आज इकोनॉमी में न्यूज़ थी। तो कुछ दिन पहले, एक दो दिन पहले अभी जब GST पास हुआ, उस टाइम पे प्राइम मिनिस्टर ने अपनी स्पीच में बोला था कि कुछ 1 लाख शेल कंपनीज़ को जो रजिस्टर ऑफ कंपनीज़ हैं उन्होंने डीरजिस्टर कर दिया है, ठीक है। तो अब जो न्यूज़ आई है वो ये है कि जो जिन कंपनीज़ को डीरजिस्टर किया गया है उनके ऊपर जो मनी लॉन्ड्रिंग के लिए कार्रवाई की जाएगी, अगर उनमें उन कंपनीज़ में किसी कंपनी के ऊपर मनी लॉन्ड्रिंग का कुछ केस निकला तो उसे फिर चार्ज किया जाएगा। तो ये काम दिया गया है एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट को, ईडी को। ईडी के बारे में हमने डिटेल में पढ़ा था आज से 2-3 दिन पहले, तो पिछले वाले जो करंट अफेयर्स एनालिसिस हैं वो देख लेना, आपको हेल्प करेंगे, ठीक है। तो 1 लाख कंपनियां अभी डीरजिस्टर की गई थी। जो ईडी है अब इट इज़ एम्पावर्ड टू टेक एक्शंस ऑफ अटैचमेंट एंड कॉन्फिस्केशन ऑफ प्रॉपर्टी इफ़ द सेम इज़ डिटरमिंड टू बी प्रोसीड ऑफ क्राइम डिराइव फ्रॉम अ शेड्यूल्ड ऑफेंस अंडर PMLA। इसका मतलब ये है कि एक जो एक्ट है PMLA, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, उसके अंडर अगर कोई बंदा पकड़ा जाता है तो ईडी जो उसकी प्रॉपर्टी है या जो भी उसकी अटैचमेंट्स हैं उसको कॉन्फिस्केट कर सकती है, और उसके लिए ईडी उसको कुछ भी नहीं देगी, कॉम्पनसेशन वगैरह, ठीक है ना। तो ये भी हमने पढ़ा था 2 दिन पहले। तो ये जो डीरजिस्टर कंपनी करने का, जो शेल कंपनीज को डीरजिस्टर करने का जो प्रोसेस शुरू किया था, ये गवर्नमेंट ने शुरू किया था डीमोनेटाइजेशन के बाद से, क्योंकि जो ये शेल कंपनीज हैं ये मेजरली यूज़ की जाती हैं मनी को लॉन्डर करने के लिए। अगर कोई भी बंदा, कंपनी जिसकी डीरजिस्टर की गई है या जिसमें मनी लॉन्ड्रिंग का इल्ज़ाम लगाया गया है, अगर उसको कोई भी अपील करनी है तो वो नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल में अपील कर सकता है 3 साल के अंदर अंदर, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज के ऑर्डर पास होने के 3 साल के अंदर अंदर वो उसको नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल में जा सकता है लेकर, ठीक है। तो काफ़ी अच्छा खासा पीरियड दिया जाता है इसमें। अब ये कुछ छोटी मोटी न्यूज़ थी जो GST से रिलेटेड न्यूज़ थी, तो कुछ बहुत ज़्यादा नहीं है। अब GST के बारे में चलता रहेगा, 1 महीने तक छोटा छोटा कुछ कुछ आता रहेगा। तो ये क्लोज विजिल ऑन GST रोल आउट प्रोग्रेस, ये हेडलाइन देके बहुत ज़्यादा कुछ लिखा हुआ था, अपने बिल्कुल कुछ काम का नहीं था इसमें। बस ये है कि गवर्नमेंट ध्यान दे रही है कि जितना भी GST को लागू किया जा रहा है वो सब ढंग से हो रहा है या नहीं, ठीक है ना। उसके बाद दूसरी हेडिंग देखो, ये 22 स्टेट्स एबॉलिश चेक पोस्ट आफ्टर GST रोल आउट। तो जो मेन GST का पर्पस था वो यही था ना कि मार्केट को इंटीग्रेट करना है। पहले जो टैक्सेशन स्ट्रक्चर था उसमें क्या होता था, हर स्टेट के अलग टैक्सेस होते थे, तो हर स्टेट पे चेक पोस्ट, हर स्टेट पे एंट्री बॉर्डर पे चेक पोस्ट बने होते थे कि लाओ टैक्स दो जो हमारे यहाँ पे माल लेके जा रहे हो। तो अब वो तो ख़त्म हो गया और कंजम्पशन बेस्ड टैक्स है, तो अब उन पोस्ट्स का कोई काम नहीं है, तो 22 स्टेट्स ने उन्हें अबॉलिश कर दिया है। उसके नीचे देखो जो हेडलाइन थी, GST इफेक्ट टू व्हीलर मेकर्स / प्राइसेस, इसमें भी बहुत बड़ी बड़ी बातें लिखी थी, कुछ भी नहीं था काम का अपने लिए। काम का बस ये है कि जो ये टू व्हीलर्स हैं इन पे जो GST रेट है वो पिछला जो उन पे टैक्स लगता था, जो इनडायरेक्ट टैक्स लगता था, उससे 2% कम है। तो जो भी ये टू व्हीलर मेकर्स हैं इन्होंने कहा कि हम अपना जो हमें फ़ायदा हो रहा है वो हम कंज्यूमर्स तक पहुंचाएंगे, तो प्राइसेस कम कर दिए। उसके साथ में देखो, अंडर GST कंज्यूमर एंड प्रीमियम सेगमेंट व्हीकल्स वुड विटनेस अ 2% डिक्रीज इन टैक्सेस, ये इसी को एक्सप्लेन किया है, ठीक है। अब ये जो हाईलाइटेड वाली न्यूज़ है इसकी तरफ देखो, नो IGST फॉर एक्सपोर्टर्स इफ़ बॉन्ड इज फर्निश्ड, ठीक है। अगर एक्सपोर्टर्स जो हैं वो सरकार को बॉन्ड दे देते हैं या लेटर ऑफ अंडरटेकिंग दे देते हैं तो उनको GST पे नहीं करना पड़ेगा, और उन्होंने जो July 1 से पहले IGST पे कर भी दिया है, ठीक है, विद इफेक्ट फ्रॉम July 1, और अगर उन्होंने कोई IGST पे कर भी दिया है तो वो बॉन्ड दे देंगे, तो जो उनका GST है वो उनको रीइंबर्स कर दिया जाएगा। इसमें ये मोटी मोटी बात ये है और कुछ खास नहीं है। उसके बाद ये एक फैक्चुअल सी न्यूज़ थी, बैंकिंग या SSC एग्जाम्स में पूछी जा सकती हैं। 2 कमोडिटी एक्सचेंजेस मर्ज्ड, कौन से कमोडिटी एक्सचेंजेस हैं, NMCE और ICEX, इन दोनों कमोडिटी एक्सचेंजेस को मर्ज कर दिया है। इनके मर्ज होने से क्या होगा, ये 3rd लार्जेस्ट कमोडिटी एक्सचेंज बन जाएगा कंट्री का, ठीक है ना। उसके बाद नीचे वाली न्यूज़ देखो जो हाईलाइटेड है, ADB सेंटर इंक पैक्ट फॉर रोड रिवैम्प। तो एशियन डेवलपमेंट बैंक जो है और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, उन्होंने एक पैक साइन किया है $220 मिलियन का टू इम्प्रूव कनेक्टिविटी
ट्रांसपोर्ट एफिशिएंसी एंड सेफ्टी ऑन द स्टेट हाईवेज ऑफ राजस्थान। अब ज़्यादा से ज़्यादा आपसे क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है कि सेंटर और स्टेट एग्रीमेंट सेंटर और स्टेट ने किया है लेकिन पैन इंडिया के लिए नहीं, सिर्फ राजस्थान स्टेट हाईवेज के लिए, ओके। और एशियन डेवलपमेंट बैंक के बारे में हमने डिटेल में पढ़ा था कल के करंट अफेयर्स में, तो उसको देख लेना, आपको एशियन डेवलपमेंट बैंक के बारे में जो कुछ भी है सब क्लियर हो जाएगा, कोई डाउट नहीं रहेगा, ठीक है। वॉल्यूम टू ऑफ इकोनॉमिक सर्वे टू हैव डाउनलोडेबल डाटा पब्लिकेशन टू बी रिलीज अराउंड जुलाई। अभी ये न्यूज़ सिर्फ आपको अवेयर करने के लिए है कि इकोनॉमिक सर्वे जो वॉल्यूम टू है वो आने वाला है जुलाई 2021-22 को, तो देख लेना, पेपर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। उसके बाद आज ये इकोनॉमी सेक्शन में द हिंदू में एक न्यूज़ थी, हनीवेल्स कनेक्टेड फ्लाइट विजिट इंडिया। तो इसमें काफ़ी आपके लिए इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, ये आपसे GS 3 में भी पूछा जाता है, जा सकता है साइंस एंड टेक वाले पार्ट में, इसको आप एसए में भी यूज़ कर सकते हो, इसको आप इकोनॉमी में भी यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ मुझे ये लगी, ठीक है। हनीवेल इंटरनेशनल एक अमेरिकन मल्टीनेशनल कंपनी है, ठीक है। इनका एक प्रोजेक्ट कह लो या इनका एक प्रोडक्ट कह लो, उसका नाम है द कनेक्टेड एयरक्राफ्ट। इसमें क्या होता है, जो टेक्नोलॉजी यूज़ होती है वो इनका कहना है कि इस टेक्नोलॉजी से फ्यूल कंजम्पशन जो है एयरलाइंस का वो कम किया जा सकता है, मेंटेनेंस कॉस्ट उसे कम किया जा सकता है, हाई स्पीड वाईफाई प्रोवाइड किया जा सकता है और फ्यूल कॉस्ट भी घटाई जा सकती है। कैसे, ये सब कैसे होगा? अब ये जो कनेक्टेड एयरक्राफ्ट है ये क्या करता है, रिसीव ट्रांसमिट और शेयर कर सकता है डाटा, ठीक है। तो इन्फॉर्म डिसीजन मेकिंग हो सकती है, पायलट जो है नीचे जो ग्राउंड स्टेशन होता है उसे डायरेक्टली वो कर सकता है कॉन्टैक्ट, तो डिसीजन मेकिंग जो है वो फास्ट हो जाती है, फास्ट कॉन्टैक्ट है बहुत, ठीक है। और ये जो पायलट होता है उसे क्या हेल्प करता है कि वो विजुलाइज कर सके लैंडिंग को, मतलब अभी प्लेन हवा में ही है, वहाँ पे ये कुछ ऐसा सिस्टम प्रोवाइड करेगा जिससे जो पायलट होगा वो लैंडिंग को विजुलाइज कर पाएगा, जिससे वो पहले ही देख लेगा कि जो डिफ़िकल्ट एरिया में अगर वो लैंड करता है किस किस तरह से वो लैंड करता है, तो वो सेफली लैंड करेगा या अनसेफली लैंड करेगा। तो ये जो एक्सीडेंट्स होते हैं कई बार वो बहुत अवॉइड हो जाएंगे, ठीक है। सेफ कम्युनिकेशन लिंक होगा एयरक्राफ्ट का और जो नीचे सेंटर होता है ग्राउंड ड्यूटी पे उनका, बिल्कुल सेफ होगा, हैकेबल नहीं होगा, तो ये एक सेफ्टी जो है इंश्योर करेगा। और ये फ्लाइट डिलेज को अवॉइड करेगा जिसकी वजह से $25 बिलियन एयरलाइंस के बचेंगे सालाना। अब ये फ्लाइट डिलेज कैसे जो है वो अवॉइड करेगा, अभी हमने देखा कि कम्युनिकेशन नेटवर्क, एक अच्छा कम्युनिकेशन नेटवर्क इस्टेब्लिश कर देगा। तो फॉर एग्जांपल अगर प्लेन में कुछ चेंज होना है जो इंटरकनेक्टेड फ्लाइट्स होती हैं, ठीक है, तो ऊपर से पायलट पहले से या ऊपर से जो ऊपर एयरक्राफ्ट में से लोग पहले ही बता देंगे कि भैया हमारा ये फॉर एग्जांपल कुछ भी चेंज होना है या कुछ प्रॉब्लम आ गई, पेट्रोल दोबारा भरना है तो हम लैंड करवा रहे हैं, तो वो पहले से ही पेट्रोल वगैरह सब तैयार रहेगा, फटाफट से भर देंगे, वेटिंग टाइम जो होगा वो कम हो जाएगा जिसकी वजह से उनकी कॉस्ट बच जाएगी। नेक्स्ट देखते हैं जो पॉलिटी में आज हमारे लिए क्या क्या था। तो पॉलिटी में जो सबसे पहले इम्पॉर्टेंट न्यूज़ तो नहीं है, ऊपर आप इसको कहीं ना कहीं मेंस में यूज़ कर सकते हैं, नॉट रेफरिंग टू पर्टिकुलर GJM बट कहीं पर आप डाल सकते हैं। तो GJM एक गोरखा लैंड की डिमांड कर रहे हैं ये, तो अभी क्या हुआ, इन्होंने एक रैली सी निकाली थी, उस रैली में क्या किया इन्होंने बच्चों का यूज़ कर लिया, ठीक है। तो बच्चों का यूज़ करना अलाउड नहीं है, कलकत्ता हाई कोर्ट ने भी 2011 में ऑर्डर दिया था कि बच्चों को यूज़ नहीं कर सकते पॉलिटिकल प्रोसेशंस में, तो इन्होंने बच्चों को यूज़ कर लिया, तो अब इनको सू कर दिया, इनके जो लीडर हैं उनसे भी बात करी जाएगी और नेशनल और जो बंगाल कमीशन फॉर चाइल्ड राइट्स है वो भी बोल रहा है कि तुमने बहुत गलत किया, ठीक है। एक फिर ये फैक्चुअल न्यूज़ है, लेफ्ट हैंड कॉर्नर पे देखो, फाउंडेशन स्टोन लेड फॉर ग्लोबल स्किल्स पार्क, ठीक है, ग्लोबल स्किल्स पार्क एक बना रहे हैं, तो ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट। अब इसमें फैक्ट्स क्या क्या हैं, कहाँ बना रहे हैं, मध्य प्रदेश में, ठीक है, किस कौन डेवलप करेगा, सिंगापुर बेस्ड इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्निकल एजुकेशन। तो दो ये आपके लिए फैक्ट्स इंपॉर्टेंट है, कहाँ बन रहा है, मध्य प्रदेश में, कौन फाइन बनाएगा, सिंगापुर, ठीक है। उसके बाद कंबाला बिल गेट्स प्रेजिडेंशियल एसेंट, पर कंबाला क्या है, जैसे आपका जलीकट्टू होता है ना उसमें बुल टेमिंग होती है, कंबाला में क्या होता है जो बुल्स होते हैं उनकी रेस करवाई जाती है, राइस फील्ड्स में ये रेस करवाई जाती है, तो इसको बैन कर दिया था, कर्नाटका में होता है, लेकिन जब फिर जलीकट्टू इशू हुआ तो और उनको अलाउ कर दिया तो कर्नाटका भी उठ गया कि नहीं फिर तो हमारा भी ट्रेडिशनल स्पोर्ट है जो अलाउ करो, हमारा ट्रेडिशनल स्पोर्ट तो हमने बंद कर दिया, उनका चालू कर दिया। तो जो वहाँ की स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली है उन्होंने एक एक्ट पास किया था, ठीक है, प्रिवेंशन ऑफ क्रुएल्टी टू एनिमल कर्नाटका अमेंडमेंट बिल 2017 में लेके आए थे, उसको प्रेसिडेंशियल असेंट मिल गया है, तो अब ये जो कंबाला है ये लीगल हो गया है, इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी।
उसके बाद राइट हैंड साइड कॉर्नर पे आ जाओ, ये भी एक फैक्चुअल न्यूज़ थी, अ बुक फॉर हैव एवरी हैंड, हिंदी में हर हाथ एक किताब, ठीक है। ये नई स्कीम शुरू की है नेशनल बुक ट्रस्ट ने। तो इसमें क्या रहेगा, लोगों के पास ऑप्शन होगा कि वो अपनी बुक वो बुक्स डोनेशन कर सकें। वो कैसे होगा, मनी ट्रांसफ़र की जाएगी और स्नैपडील को, जो ऑनलाइन शॉपिंग साइट है उसको मनी ट्रांसफ़र की जाएगी, ठीक है। स्नैपडील के साथ संधि करी है हमारे HRD मिनिस्ट्री ने। तो ये पैसा जो स्नैपडील के पास आएगा, ये फाइनली जो जाएगा वो नेशनल बुक ट्रस्ट को चला जाएगा, और फिर वो बुक ट्रस्ट के साथ जिन भी NGOs वगैरह की संधि होगी, जो बच्चों वगैरह के NGOs होंगी, वो उन्हें बता देंगे कि हमें ये किताबें चाहिए, और अगर वो किताबें NBT की चेकलिस्ट में होंगी तो वो किताबें NBT उनको दे देगा, तो आप डोनेट कर सकते हैं। अगली न्यूज़ जो थी वो SC अलाउज एबॉर्शन ऑफ एलिंग फॉयटस, ठीक है। तो पहले इसकी थोड़ा सा देख लेते हैं कि इसमें है क्या। जो एक मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट है 1971 का, इसके अकॉर्डिंग क्या है, अगर वुमेन की जो प्रेगनेंसी है वो 20 वीक्स से ज़्यादा की हो जाती है, ठीक है, वुमेन के प्रेग्नेंट हुए वुमेन को प्रेग्नेंट हुए 20 वीक्स से ज़्यादा हो जाते हैं, तो उनको अबॉर्शन अलाउड नहीं है। लेकिन इसमें एक्सेप्शन है, ठीक है, अगर कोई मेडिकल प्रैक्टिशनर सर्टिफाई कर दे कोर्ट को कि अगर प्रेगनेंसी कंटिन्यू की गई, फॉर एग्जाम्पल 20 वीक्स क्रॉस हो गए उसके बाद पता चला कि अगर प्रेगनेंसी कंटिन्यू की गई तो वो लाइफ थ्रेटनिंग होएगी मदर के लिए भी और बेबी के लिए भी, ठीक है। तो अभी रिसेंटली जो ये न्यूज़ है, SC ने अलाउ किया एक लेडी को अबॉर्ट करना, जो फॉयटस था वो 20 वीक्स क्रॉस कर चुका था, लेकिन फिर भी SC ने अलाउ कर दिया, ठीक है। इसमें SC ने ये कहा, इसमें इशू ये था कि जो फॉयटस था वो अच्छे से डेवलप नहीं हुआ था, तो अगर जो बेबी पैदा होता तो वो हेल्दी नहीं होता, और उसको काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स होती, वो जो फॉयटस था अच्छे से डेवलप ना होने की वजह से बॉडी जो थी होती वो भी डिफॉर्म्ड होती, ठीक है। तो इस वजह से SC ने ऑब्जर्व किया कि अगर ऐसा हो, इसकी इस प्रेगनेंसी की वजह से जो लेडी है उनको मेंटल स्ट्रेस के थ्रू जाना पड़ रहा है, और बर्थ के बाद भी उन्हें कंटिन्यूसली मेंटल स्ट्रेस में रहना पड़ेगा क्योंकि उनका बेबी हेल्दी नहीं होगा, ठीक है। तो इसीलिए SC ने अलाउ कर दिया। SC ने ये कहा कि जो वुमेन का राइट है रिप्रोडक्टिव चॉइस, ठीक है, वो जो हमारा आर्टिकल 21 है पर्सनल लिबर्टी वाला, उसके अंडर वुमेन को ये राइट है कि वो अपना जो रिप्रोडक्टिव चॉइसेस हैं वो खुद कर सकें। लेकिन SC ने ये भी कहा कि ये जो रिलैक्सेशन हम दे रहे हैं लॉ में, ये हम केस टू केस बेसिस पे जज करेंगे, ठीक है, क्योंकि अभी रिसेंटली मई में एक केस हुआ था जिसमें SC ने डिसअलाउ कर दिया था एक वुमेन को जिनका 26 वीक्स का फॉयटस था, क्योंकि उनका जो फॉयटस था उसमें डायग्नोस किया गया था कि डाउन्स सिंड्रोम है बेबी को, ठीक है। तो लेकिन SC ने कहा कि ये जो डाउन्स सिंड्रोम है ये लाइफ थ्रेटनिंग फैक्टर नहीं है दोनों बेबी के लिए और मदर के लिए, और कोई फिजिकल रिस्क नहीं है मदर को, तो हम ये अलाउ नहीं करेंगे। तो केस टू केस बेसिस पे डिसाइड किया जाता है। ऐसा क्यों नहीं है कि कंप्लीट चॉइस दे दी जाए वुमेन को कि वो अबॉर्ट करे या ना करे, क्योंकि उससे क्या होगा, हमारा जो सेक्स रेशियो वैसे ही बहुत कम है तो फीमेल फोर्टिसाइड बढ़ जाएगा, इसीलिए SC केस टू केस बेसिस पे डिसाइड करता है। अब आप देखें, अगर अबॉर्शन लॉज अक्रॉस द ग्लोब देखें तो ग्रीन मार्क में है इंडिया, और ग्रीन के लिए अगर आप पढ़ेंगे लेफ्ट हैंड साइड पे सेकेंड नंबर पे, लीगल फॉर मेटर्नल लाइफ हेल्थ मेंटल हेल्थ रेप फर्टल डिफेक्ट्स एंड ऑल्सो फॉर सोशो इकोनॉमिक फैक्टर्स। तो आप देखेंगे कि इंडिया ने काफ़ी ज़्यादा रिलैक्सेशन दी हुई है, मेटर्नल लाइफ हेल्थ में अगर थ्रेट है, मेंटल हेल्थ का अगर प्रॉब्लम है, रेप अगर हो जाता है किसी लेडी का और वो नहीं चाहती कि बेबी हो तो वो अबॉर्ट कर सकते हैं इवन आफ्टर 20 वीक्स, ठीक है, फर्टल डिफेक्ट्स के केस में हो गया, सोशो इकोनॉमिक फैक्टर्स भी कंसिडरेशन में आता है इसमें। तो इंडिया आप देख रहे हैं कि इस केस में काफ़ी ज़्यादा लिबरल है, तो आप इसको इस फैक्ट को कहीं ना कहीं अपने मेंस में यूज़ कर सकते हैं, जहाँ पे वुमेन डेवलपमेंट या वुमेन एम्पावरमेंट का पॉइंट आता है, तो इस पॉइंट को एज ए पॉजिटिव पॉइंट इंडिया के लिए आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। बाकी कई कंट्रीज़ ऐसी भी हैं, अगर आप साउथ अमेरिका में लेफ्ट साइड पे देखें जो ब्लैक में कलर मार्क्ड है, तो वहाँ पे बिल्कुल भी अलाउड नहीं है अबॉर्शन अंडर एनी सर्कमस्टांसेस, ठीक है। उसके बाद ये आज एक आर्टिकल था, द ऑर्गेनाइजिंग प्रिंसिपल ऑफ लिंच मॉब्स। तो अभी कुछ दिन पहले एक आदमी को लिंच कर दिया गया था क्योंकि डाउट लोगों को हुआ था कि उन्होंने काउ स्लॉटर किया है, और जो काउ स्लॉटर के बाद उनका जो मांस है उनके पास मिला था, ऐसा लोगों ने कहा। तो
थीम इस आर्टिकल की ये है कि मैम थोड़ा इन इस चीज़ के अगेंस्ट हैं, उन्होंने कुछ बोला है इसके बारे में, तो आइए देखते हैं जो इसके मेन फॉर्डर पॉइंट्स थे जो हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हैं। तो फ्रेंड्स, जो पहला इशू है वो मैम ने जो डिस्कस किया है वो ये है। मैम कहते हैं कि आर्टिकल 21 है जो फंडामेंटल राइट आर्टिकल 21 में हमें हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें दिया है, उसमें क्लियरली ये मेंशनड है, एक्सप्लिसिटली मेंशनड है कि कोई भी बंदा उसको लाइफ या उसकी लिबर्टी डिनाई नहीं की जाती एक्सेप्ट इफ़ प्रोवाइडेड बाय प्रोसीजर इस्टेब्लिश्ड बाय लॉ। ठीक है, तो मैम ने कुछ इसकी जो हिस्ट्री है वो डिस्कस की। मैम कहते हैं कि 1950 में एक केस हुआ था गोपालम वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो प्रोसीजर इस्टेब्लिश्ड बाय लॉ लिखा हुआ है आर्टिकल 21 में, इस प्रोसीजर इस्टेब्लिश्ड बाय लॉ का मतलब है कि कोई भी लॉ जिसको इनैक्ट किया है किसी भी कॉम्पिटेंट लेजिस्लेचर ने, इंडियन लेजिस्लेचर में स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली ने या पार्लियामेंट ने, तो वो प्रोसीजर इस्टेब्लिश बाय लॉ की डेफिनेशन में आ जाता है। लेकिन इस स्टैंड से डिफरेंट स्टैंड लिया जो सुप्रीम कोर्ट ने, वो मेनका गांधी केस में लिया 1977 में। अगर आप जो थर्ड पॉइंट है उसे रीड करें, द कोर्ट रूल दैट द राइट ऑफ लाइफ हैड टू बी रेड अलॉन्ग विद द राइट टू इक्वालिटी एंड द राइट टू फ्रीडम ग्रांटेड बाय आर्टिकल 14 एंड 19 ऑफ द फंडामेंटल राइट्स चैप्टर। एनी प्रोसीजर दैट कुड पॉसिबली इन्फ्रिंज ऑन द राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी हैड टू बी राइट, जस्ट एंड फेयर एंड नॉट आर्बिट्ररी, फैंसीफुल एंड ऑप्रेसिव। द कोर्ट वुड डिसाइड वेदर अ प्रोसीजर इज जस्ट। इसमें अब कोर्ट ने ये कह दिया कि ठीक है भैया, किसी कॉम्पिटेटिव लेजिस्लेचर ने कोई प्रोसीजर बना दिया तो उस प्रोसीजर, वो आर्बिट्ररीनेस भी तो हो सकती है ना उस प्रोसीजर में, क्या पता लोगों की फ्रीडम सप्रेस करने के लिए ही वो जो है लॉ बनाया गया हो। तो अब कोर्ट जज करेगी कि वो जो लॉ है वो प्रोसीजर इस्टेब्लिश बाय लॉ के डेफिनेशन में आता है या नहीं आता है। अगर कुछ ऐसा हुआ जो लॉ कॉम्पिटेट पार्लियामेंट ने लॉ बना दिया लेकिन अगर वो फ्रीडम पे इफेक्ट कर रहा है तो कोर्ट उसे नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर देगी। ठीक है, तो मैम कहते हैं कि जो रीसेंट लिंच जो हुआ है उसका जो मेन रीज़न क्या है, जो मैम ने रीज़न दिया है उसका, मैम ने रीज़न जो दिया है वो है ये है कि जो लार्जर इंटेंशन है हिंदुत्व प्रोजेक्ट का, टू कास्ट अ मियाज़मा ऑफ फेयर, एक डर बिठाना चाहते हैं लोगों में जिससे जो माइनॉरिटीज़ हैं और जो लोअर कास्ट हैं उनको उनकी जगह दिखा दी जाए, ऐसा मैम का कहना है। अभी जो अगला आर्टिकल था इसमें मैम ने डिस्कस किया, हरिनी नगेंद्रा मैम है, इन्होंने डिस्कस किया है कि जो डैम्स बन रहे हैं वो इम्पैक्ट कर रहे हैं हमारे बोथ सोशली एंड बोथ इन्वायरमेंटली। तो जो मैम ने डिस्कस किया है वो हम देख लेते हैं। मैम का जो थीम है मेनली वो ये है कि जो ये टेम्पल्स ऑफ मॉडर्न इंडिया हैं, जो डैम्स हैं, ये इनके क्या हार्मफुल इफ़ेक्ट्स हैं। तो सबसे पहले जो मैम ने सोशल इम्पैक्ट्स को डिस्कस किया है वो देख लेते हैं। मैम कहते हैं कि जो अब रिसेंटली जो सरदार सरोवर डैम है उसकी जो अथॉरिटी है उन्होंने उसको टू इट्स फुल हाइट रेस करने का ऑर्डर दिया है। ठीक है, तो उसमें पानी बढ़ा दिया जाएगा सरदार सरोवर डैम में। तो मैम का कहना है कि ये जो हाइट को रेस करने की बात हुई है इससे एक पूरा टाउन और 176 विलेजेस जो हैं वो सबमर्ज कर जाएंगे, डूब जाएंगे। ठीक है, अब मैम कहते हैं कि ये कॉम्पेंसेशन तो बोलती है सरकार, लेकिन कॉम्पेंसेशन के नाम पे क्या होता है, जो फार्मर होता है उसका प्रोडक्टिव लैंड तो सबमर्ज कर जाता है, ले लेते हैं, उसके बदले में उसे मिलता है जो लैंड अनसुटेबल होता है फार्मिंग के लिए। ठीक है, तो कहते हैं ये कॉम्पेंसेशन किस काम का। दूसरा, मैम कहते हैं कि जो रिसेटलमेंट साइट्स सरकार देती है उसमें बेसिक फैसिलिटीज़ नहीं होती। बेसिक फैसिलिटीज़ की मतलब वाटर लाइन पाइप्स नहीं है, स्कूल्स नहीं है, कोई डेवलपमेंट नहीं हुई। ठीक है, टैंक्स नहीं है, तो कहते हैं फिर वो वहाँ पे उन्हें रहने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। ठीक है, तो इसका जो एंड रिजल्ट निकलता है वो ये होता है कि जो डिस्प्लेस्ड पॉपुलेशन होती है उनके पास कोई और ऑप्शन रहता नहीं सिवाय इसके कि वो एज ए डेली वेज लेबर काम करें और अर्बन स्लम्स जाके बनाएं, क्योंकि क्राउडिंग होगी। अब वो वहाँ पे खा पी नहीं पा रहे, उन्हें सोर्सेज नहीं मिल रहे, तो वो क्या करेंगे, अर्बन एरिया में मूव करेंगे। अर्बन एरिया में तो स्लम एरिया बढ़ेगा। ठीक है, तो इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट क्या है इसके, सिल्टेशन, जो ऐसे डैम्स बनाए जा रहे हैं और सिल्टेशन होता है उससे, सिल्टेशन। अब जो नर्मदा का केस मैम ने डिस्कस किया, जो सरदार सरोवर डैम की वो रेजिंग ऑफ हाइट के अगेंस्ट जो वो बोल रहे हैं, उन्होंने कहा कि जो नर्मदा के स्टीप स्लोप्स हैं नर्मदा वैली के, वो प्रोन है इरोजन से। ठीक है, लेकिन अभी तक वो इरोड इतनी स्पीड से नहीं हो रहे थे क्योंकि वहाँ पे फॉरेस्ट्स हैं।
ठीक है, लेकिन जब हाइट बढ़ेगी तो फॉरेस्ट डूब जाएंगे, और फॉरेस्ट डूब जाएंगे तो वो सिल्टेशन को नहीं रोक पाएंगे, जिससे सिल्टेशन इंक्रीज कर जाएगी। और मैम ये कहते हैं कि जो ये बड़े डैम्स हैं, सरदार सरोवर जैसे जो डैम्स हैं, इनमें प्रॉब्लम क्या है कि ईजिली डिसिल्टेशन नहीं की जा सकती, ठीक है। और सिल्टेशन से एक और जो इफेक्ट होता है वो ये होता है कि वो वाटर कैपेसिटी को डिक्रीज़ कर देता है, क्योंकि इवेपोरेशन का रेट जो है, अगर कोई मडी वाटर है वो ज़्यादा जल्दी इवेपोरेट होता है एज़ कम्पेयर टू फ्रेश वाटर, ठीक है। और अगर कोई डैम सिल्ट हो जाता है तो उसमें रिस्क ऑफ फ्लडिंग बढ़ जाता है बैक वाटर्स में, क्योंकि वाटर जो है वो कंटिन्यूसली फ्लो नहीं करता है सिल्टेशन की वजह से, वो इकट्ठा होता रहता है, जिसकी वजह से बैक वाटर्स में फ्लडिंग का रिस्क बढ़ जाता है। उसके बाद मैम ने कहा कि जो नर्मदा एस्चुरी है वो भी इंक्रीजिंगली सलाइन बन रही है, जहाँ पे नर्मदा सी से मिलती है वहाँ पे नर्मदा एस्चुरी फॉर्म करती है, तो वो भी कंटिन्यूसली सलाइन हो रही है, क्योंकि फ्रेश वाटर जो है वो एस्चुरी तक नहीं पहुँच पा रहा है। ओशन वाटर तो आ रहा है एस्चुरी में, सलाइन वाटर है जो, लेकिन फ्रेश वाटर का जो वहाँ पे कम हो गया है, जिसकी वजह से वो इंक्रीजिंगली सलाइन हो रही है, जिसकी वजह से फिशेज पॉपुलेशन जो है वो इम्पैक्ट पड़ रही है और फिशरमैन को हार्म हो रहा है। और मैम का ये भी कहना है अगर फॉरेस्ट नहीं रहेंगे तो जो ट्राइबल पॉपुलेशन है इन फॉरेस्ट्स में, उनको भी नुकसान होगा। अगला जो ये एडिटोरियल आया था द डेल्टा मिरेकल, ये सुंदरबंस से रिलेटेड था कि सुंदरबंस जो है काफ़ी ज़्यादा वहाँ पे जो मैंग्रोव फॉरेस्ट है उनका काफ़ी लॉस हो गया, ये वो सब जो था, तो उन्होंने उसमें कुछ सोल्यूशंस डिस्कस किए हैं कि क्या किया जा सकता है और क्या किया जा रहा है। तो सबसे पहले मैम कहती हैं कि जो सुंदरबंस हैं उन उसमें काफ़ी सारा एरिया लीगली प्रोटेक्टेड एरियाज में आता है एज नेशनल पार्क्स एंड सेंचुरीज, ठीक है। लेकिन मैम का ये कहना है कि अगर कंजर्वेशन करना है तो गवर्नमेंट के साथ साथ लोकल एफर्ट्स की भी बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट है। उसके आगे मैम उसको सजेस्ट करते हुए कहते हैं कि फोर्टिफिकेशन अगेंस्ट इरोजन ऑन द लाइन्स ऑफ द डाइक्स इन नीदरलैंड्स मेरिट साइंटिफिक इवेल्यूएशन। इसमें क्या है, नीदरलैंड्स में जो डाइक्स रिवर है उसको, उससे ताकि जो एरिया है वो इरोड ना हो, वहाँ पे क्या किया, ट्रीज लगा दिए, ठीक है। ट्रीज लगाने से क्या होगा, जो सी वाटर है या जो रिवर वाटर है वो इरोड नहीं करेगा लैंड को, तो वही मैम कह रहे हैं यहाँ पर भी फॉलो किया जा सकता है। एंडेमिक प्लांट्स और ट्री स्पीशीज जो सेलिनिटी कंडीशंस में अच्छा थ्राइव करते हैं उनको वहाँ प्लांट किया जा सकता है, जिससे लोकल कम्युनिटीज़ को भी बेनिफिट होगा, फॉडर मिलेगा, ठीक है, और वुड मिलेगा। इको टूरिज्म जो है उसको कंट्रोल्ड वे में और अच्छे से कंसीडर करके प्रॉपरली मैनेज करना पड़े, जिससे टूरिज्म का इम्पैक्ट नेगेटिवली ना पड़े। और मैम ये कहते हैं कि इंटरनेशनल जो क्लाइमेट कंट्रोल है, फाइनेंस है, जो इंटरनेशनल क्लाइमेट फाइनेंस है, वो आना चाहिए इंडिया और बांग्लादेश को टू प्रिजर्व दिस रीजन, क्योंकि ये जो रीजन है ये ग्लोबली यूनिक है, लार्जेस्ट मैंग्रोव जो फॉरेस्ट है वो है, तो ग्लोबल फाइनेंस की बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट है। और मैम ने ये कहा कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो सुंदरबंस की लोकल पॉपुलेशन है उनको हम पॉवर्टी से बाहर निकालें, क्योंकि अगर वो पॉवर्टी से बाहर आएंगे तो जो नेचुरल रिसोर्सेज पे प्रेशर है, अभी क्या हो रहा है कि वो काफ़ी पुअर हैं, तो जिसकी वजह से, तो वो अगर पॉवर्टी से बाहर आएंगे तो जो नेचुरल रिसोर्सेज पे जो अभी स्ट्रेस पड़ रहा है वो कम पड़ेगा। क्यों, अभी क्या होता है कि वो जो आपके फॉर एग्जांपल मैंग्रोव्स हैं तो वुड का इंडिस्क्रिमिनेट यूज़ कर लिया, तो अगर वो पॉवर्टी से बाहर आएंगे तो रिसोर्सेज पे जो है वो कम इफेक्ट पड़ेगा। उसके बाद PIB में आज ये न्यूज़ था, श्री राधा मोहन एड्रेसेस इंटर सेशन मीटिंग ऑफ द कंसल्टेटिव कमेटी एट शेर ए कश्मीर इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस सेंटर इन श्रीनगर। तो ये सर ने कोई स्पीच दी थी, तो अपने लिए जो भी उनकी स्पीच में से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो अपन ने निकाल लिया। तो सर कहते हैं कि एग्रीकल्चर मैकेनाइजेशन करना बहुत इंपॉर्टेंट है सस्टेनेबल डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर के लिए। उसके रीजंस उन्होंने क्या दिए, कहते हैं कि 2025 तक जो इंडिया में डिमांड होगी प्रोड्यूस की वो 300 मिलियन टन्स की होगी, जो वीट राइस एक्स्ट्रा, ठीक है। और जो हमारी पॉपुलेशन है जो एंगेज्ड एग्रीकल्चर में, जो 54% एंगेजमेंट थी पॉपुलेशन की 2011 में, वो गिर के 33% आ जाएगी 2020 में। तो सर कहते हैं कि देखो प्रोडक्शन तो बढ़ानी है लेकिन लेबर कम हो रही है, अब लेबर कम हो रही है और फिर भी प्रोडक्शन बढ़ानी है तो मैकेनाइजेशन तो करनी पड़ेगी ना, तो ये उन्होंने जस्टिफाई कर दिया मैकेनाइजेशन को। अब उन्होंने कहा कि चैलेंज क्या है, तो चैलेंज में उन्होंने बोला कि सबसे पहला चैलेंज तो ये है कि जो सफिशिएंट फार्म पावर है, स्मॉल फार्मर्स हैं, अब स्मॉल फार्मर्स आप एक्सपेक्ट करो कि वो मैकेनाइजेशन में इन्वेस्ट करें तो वो काफ़ी मुश्किल है। तो उन्होंने क्या कहा कि स्मॉल फार्मर्स को
ये सफिशेंट जो पावर है मैकेनाइजेशन की वो प्रोवाइड करना एक वो चैलेंज है. दूसरा स्किल बैरियर. अब जो फार्मर है वो बेचारा इतना पढ़ा लिखा नहीं है कि जो वो मशीनरी वगैरह उसको अच्छे से ऑपरेट कर सके, तो स्किल डेवलपमेंट की भी रिक्वायरमेंट है. तो सर ने एक स्कीम डिस्कस करी कि हमने सबमिशन ऑन एग्रीकल्चरल मैकेनाइजेशन बनाया था 2014-15 में. इसमें क्या था कि एग्रीकल्चर मैकेनाइजेशन प्रमोट करने की बातें की गई थी स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स में, और जो ये सिर्फ ट्रेडिशनल कंपोनेंट्स जो ट्रेनिंग टेस्टिंग डेमोंस्ट्रेशन ऑफ एग्रीकल्चरल मशीनरी प्रोक्योरमेंट सब्सिडी सिर्फ इसको नहीं इंक्लूड करता है, ये और क्या इंक्लूड करता है, वो है फार्म मशीनरी बैंक्स फॉर कस्टम हायरिंग. उसमें क्या होता है हाईटेक जो प्रोडक्टिव इक्विपमेंट्स होती हैं सेंटर की वो कस्टम वो मॉडल उस पर दी जाती है हायरिंग मॉडल पर, और उसको 40% सब्सिडी पर प्रोवाइड किया जाता है. ये आज एक और PIB में न्यूज़ में था, तो न्यूज़ क्या थी वो कुछ अपने लिए रिलेवेंट नहीं थी. ये पेट्रोलियम प्लानिंग एंड एनालिसिस सेल होता है मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम के अंडर, तो अपने लिए ये इंपॉर्टेंट है. इसका देख लेते क्या है. तो इसका विजन क्या है, टू बी मोस्ट ऑथेंटिक ऑफिशियल सोर्स ऑफ डाटा एंड पॉलिसी एनालिसिस ऑन हाइड्रोकार्बन सेक्टर. ठीक है, तो सारा डाटा और ऑफिशियल सब मेंटेन रखता है. और इसका और क्या काम है, जो एग्जिस्टिंग डाटा सिस्टम है लेटेस्ट टेक्निक्स अडॉप्ट करे, बेस्ट प्रैक्टिसेस अडॉप्ट करे. ठीक है, रेंट इफेक्टिव जो असिस्टेंस है वो मिनिस्ट्री को प्रोवाइड करे, मॉनिटर एंड एनालाइज डेवलपमेंट इन द डोमेस्टिक ऑयल एंड गैस सेक्टर, अंडरटेक एनालिसिस ऑफ डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल एनर्जी मार्केट्स. ठीक है, क्लियर है सब, इसमें कुछ बहुत ज़्यादा समझने वाला नहीं है, तो आप ये रीड कर सकते हैं, कुछ बहुत ज़्यादा समझने वाला नहीं है, फैक्चुअल है, क्वेश्चन फंस सकता है. एक जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो मैंने ऊपर हाईलाइट किया है, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ सब्सिडी ऑन PDS केरोसिन एंड डोमेस्टिक LPG एंड फ्रेट सब्सिडी फॉर फार फ्लंग एरियाज. फॉर फार फ्लंग एरियाज मतलब जो सब्सिडी ट्रांसपोर्टेशन पे, अब जैसे नॉर्थ ईस्ट में अगर कुछ पहुंचाना है तो वहां पे ट्रांसपोर्टेशन का ही बहुत खर्चा आ जाता है, तो उस ट्रांसपोर्टेशन में ये सब्सिडी जो प्रोवाइड होती है उसको एडमिनिस्टर करते हैं. आगे देखते हैं इंटरनेशनल रिलेशंस. इंटरनेशनल रिलेशंस में हमने कल डिस्कस किया था कि PM मोदी पहले प्रधानमंत्री हैं जो इसराइल जा रहे हैं, तो अभी इसराइल का ऐसा कुछ कहना है कि जेरूसलम में अपनी एम्बेसी बना लो, तो इंडिया का कहना है कि नहीं, हम अपनी एम्बेसी जो है वो टेल अवीव में ही रखेंगे. जेरूसलम क्योंकि डिस्प्यूटेड एरिया है, उसको जो पैलेस्टाइन है जो पैलेस्टाइन की डिमांड करते हैं एज अ सेपरेट नेशन, वो उनका ये कहना है कि जो ईस्ट जेरूसलम वाला पार्ट है वो पैलेस्टाइन के अंडर आना चाहिए. तो इंडिया का ये कहना है कि हम तो भैया टू स्टेट सोल्यूशन जो है वो सपोर्ट करते हैं, तो हम तो अभी अपनी एम्बेसी टेल अवीव में ही रखेंगे. लेकिन इसराइल का ये कहना है कि इंडिया को ये टू स्टेट सोल्यूशन वगैरह इस सबसे बाहर रहना चाहिए. जैसे इंडिया को ये है कि इंडिया और पाकिस्तान के बीच का इशू सिर्फ इंडिया और पाकिस्तान के बीच का रहे और कोई थर्ड पार्टी ना आए, वैसे ही इसराइल को भी ये चाहिए कि इंडिया इसराइल और पैलेस्टाइन का जो इशू है वो इसराइल और पैलेस्टाइन के बीच में ही रहे और उनको किसी थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट नहीं चाहिए. कोई भी कंट्री जेरूसलम में अपनी एम्बेसी नहीं रखती है. जो ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन है उन्होंने भी इसको डिसीजन को अभी रोक रखा है जेरूसलम में एम्बेसी बनाने से. अभी जब एक जो अच्छी न्यूज़ है, अब क्वेश्चन में तो नहीं पूछी जाएगी लेकिन ठीक है, अच्छा लगता है सुन के कि अपने बंदे को ऐसे इतना मिल रहा है. तो अभी मोदी सर जब टेल अवीव गए थे तो उनको जो रिसेप्शन मिला है वो बिल्कुल वैसा मिला है जैसा स्पेशली रिजर्व किया जाता है फॉर US प्रेसिडेंट और पोप की विजिट के लिए, बिल्कुल वो ही उन्हें रिसेप्शन वहाँ पर मिला है. तो आज की न्यूज़ में इतना ही था, बहुत अच्छा लगा आपको सर्व करके. अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, इससे आपको रेगुलर अपडेट्स मिलते रहेंगे. थैंक यू वेरी मच.